आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे परावैद्युत तथा ध्रुवण। अगर अंग्रेजी में इसको देखें तो बोला जाएगा डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। देखें यहाँ पर परावैद्युत शब्द यानी डाई इलेक्ट्रिक यूज किया गया है, तो परावैद्युत शब्द को समझें डाई इलेक्ट्रिक। तो जैसा कि उसके नाम से पता है, ध्यान दीजिए, DIE डाई का मतलब मर जाना, इलेक्ट्रिक्स मतलब बिजली का, यानी ये ऐसा पदार्थ होगा जिसमें विद्युत धारा के प्रति ये मरा हुआ है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के नहीं जा सकता, तो उन्हीं को हम अचालक कहते हैं। ध्यान दीजिए, अचालक और कुचालक में अंतर है। अचालक में आवेश चार्ज चल ही नहीं सकता, जबकि कुचालक में थोड़ा बहुत चल सकता है। तो इसलिए डाइइलेक्ट्रिक अचालक पदार्थ है, नॉन कंडक्टिंग। डाई का मतलब मर जाना, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का मर जाना यानी चार्ज पार्टिकल उसमें फ्लो नहीं करेंगे। तब इसको देखते हैं, तो यहां पर देखिए एक ही लाइन में उसने सारी बात अपनी कह दी है। कह रहा है कि परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं, चालकों की तुलना में इनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता अथवा नगण्य होता है। तो इसको ध्यान देना है कि इसमें चूंकि चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक नहीं होते, इसलिए विद्युत के अचालक है, यानी इसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता, यानी चार्ज पार करके नहीं जा सकता। परा मतलब केवल पड़ा रहता है एक जगह, चल नहीं सकता, तो इसलिए परावैद्युत नाम दिया जाता है। अब देखिए आगे बता रहा है कि अनुभाग 2.9 को याद कीजिए, क्या होता है जब किसी चालक को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो पीछे हमने पढ़ा है कि जब किसी चालक को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में मुक्त आवेश वाहक गति करके अपने को इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। तो इसको ध्यान देना है कि किसी चालक में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वो अपने आप को इस प्रकार से समायोजित करता है कि वो बाहरी विद्युत क्षेत्र का विरोध कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी उसके अपोजिट इसके बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इंटरनल वाली आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यह उस समय तक होता है जब तक कि स्थिर स्थिति में दोनों क्षेत्र एक दूसरे का निरसन कर देते हैं तथा चालक के भीतर नेट स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसको ध्यान देना है कि ये जो बाहरी विद्युत क्षेत्र के विरोध में इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो वो तब तक कंडीशन में होता रहता है जब तक कि बाहरी विद्युत क्षेत्र को विरोधी उसके विपरीत विद्युत क्षेत्र जनरेट करके उसको खत्म न कर दे। यानी आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाहरी विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो नेट विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। नेट का मतलब दोनों का घटाव। किसी परावैद्युत में आवेश की या मुक्त गति संभव नहीं होती। किसी परावैद्युत में आवेश की या मुक्त गति संभव नहीं होती। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि परावैद्युत अचालक होते हैं, अचालक का मतलब जिसमें चल नहीं सकते, तो जब चल नहीं सकते तो गति कैसे होगी, तो इसीलिए मुक्त गति संभव नहीं होती। फिर भी यह पाया गया है कि वाह्य क्षेत्र परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित कर देता है जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो वाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। तो ध्यान दीजिए कि परावैद्युत में कोई भी आवेश मुक्त
रूप से गति नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो यह माना जाता है कि कुछ आवेश जो है प्रेरित कर देता है। प्रेरित का मतलब इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब बाहरी जो है विद्युत क्षेत्र उसके कारण उसके विरोध में अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो तो आवेश के प्रेरण के कारण है। प्रेरण हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं कि बिना किसी वस्तु को छुए हुए किसी आवेशित वस्तु को अगर उसके पास लाया जाए दूसरी वस्तु के, जो अनावेशित है, तो जो आवेशित वस्तु उसके पास लाई गई है उसके विपरीत और उतना ही आवेश उसमें अनावेशित वस्तु में उत्पन्न हो जाता है। पीछे हमने बहुत अच्छे से समझाया था, तो इसको ध्यान देना। अब कह रहा है कि वह क्षेत्र का विरोध करता इस प्रकार से आवेश प्रेरित होता है, परंतु चालक से भिन्न इस प्रकार का प्रेरित विद्युत क्षेत्र वाह्य क्षेत्र को यथार्थ रूप में निरक्षित नहीं करता। तो एक चीज ध्यान देना है कि जैसे चालक होता है कंडक्टर, तो उसमें क्या होता है कि जो वाह्य विद्युत क्षेत्र होता है तो वो जो है कह रहा है कि परंतु चालक से भिन्न, चालक से अलग इसमें क्या है, इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार का प्रेरित विद्युत क्षेत्र वाह्य क्षेत्र को यथार्थ रूप में निरक्षित नहीं करता है। मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करता बाहरी क्षेत्र को, यह केवल क्षेत्र को घटा देता है। यह क्या करता है, यह केवल क्षेत्र को घटा देता है, एकदम खत्म नहीं करता है। इस प्रभाव की सीमा परावैद्युत की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो जो प्रभाव है इसकी सीमा हमारा जो डाइइलेक्ट्रिक है परावैद्युत पदार्थ है वो किस नेचर का है इस पर निर्भर करेगा। इस प्रभाव को समझने के लिए हमें किसी परावैद्युत पदार्थ में आणविक स्तर पर आवेश वितरण के अध्ययन की आवश्यकता होगी। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर किस प्रकार से चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर ये बात हम समझना चाहते हैं तो हमको इस प्रकार से समझना पड़ेगा। आप देखिए आगे पढ़ने के पहले ये थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर फिगर में देखिए कह रहा है कि किसी वाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी चालक तथा परावैद्युत के व्यवहार में अंतर। तो चालक और परावैद्युत के व्यवहार में क्या अंतर है, ये देखिए चालक है यानी कंडक्टर है और ये परावैद्युत है यानी डाइइलेक्ट्रिक है। तो दोनों में क्या अंतर है इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र जो है इधर से इधर को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तीर का निशान ऐसे लगाया गया है। E0 मतलब वाह्य विद्युत क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होती है। हम बहुत बार बता चुके हैं प्लस से विद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलती हैं तो बाहर को जा रहे हैं, माइनस की ओर आती हैं तो देखिए माइनस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये कोई चालक यानी कंडक्टर है तो ये प्लस है तो प्लस माइनस को खींचेगा, तो इसलिए इसके अंदर प्रेरण यानी इंडक्शन द्वारा ये माइनस चार्ज इधर आ गया। इधर माइनस है तो ये प्लस को ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के खिसक के इधर आ जाएंगे। ये आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये प्रतिकर्षित तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर प्लस चार्ज बच गया, पॉजिटिव हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र E0 प्लस से माइनस की ओर तो इधर को तीर लगा है, अब अंदर देखिए प्लस इधर है माइनस इधर है तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र तो ये देखिए इधर को लगा है। E अंदर लिखा है यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यह सिग्मा मुक्त यानी आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व है जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, और इधर से मुक्त हुए हैं तो पॉजिटिव आया है तो इधर से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं तो इधर सिग्मा मुक्त इधर भी लिखा हुआ है। अब देखिए जितना बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही अंदर है,
कैसे पता? इस तरह से, क्योंकि e जीरो प्लस e अंदर बराबर जीरो है। जीरो कैसे है? क्योंकि बाहर वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है, अंदर वाली की इधर को है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये दिशा चूंकि उल्टा है तो जुड़ेगा तो प्लस में, लेकिन चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा तो ये घट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहां पर देखते हैं तो देखिए प्लस है या माइनस है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर को जाती हुई रेखाएं दिख रही हैं। अब यहां पर कुछ ना कुछ प्रेरण होता है, बहुत ज्यादा नहीं, अचालक जरूर है, विद्युत धारा नहीं चल सकती, लेकिन अपने ही स्थान पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं थोड़ा बहुत। तो शिफ्टिंग जब होती है तो क्या होता है कि चूंकि इधर प्लस है तो कुछ माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस को खींचेगा, इधर प्लस है या माइनस है तो माइनस इधर के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा तो वो इधर आ जाएंगे तो इधर प्लस बनेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बाहरी विद्युत क्षेत्र देखिए ई जीरो है लेकिन अंदर वाला बहुत कम है। देखिए लाइन बहुत छोटी बनाई गई है और ई अंदर लिखा गया, क्यों? क्योंकि ये अचालक है तो इतना ज्यादा इंडक्शन नहीं होगा कि बाहरी विद्युत क्षेत्र के बराबर अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। तो यहाँ पर देखिए ई जीरो प्लस ई अंदर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अंदर वाली बाहर वाली के बराबर नहीं है, विपरीत है केवल, तो कुछ घटेगा तो जितना ई जीरो है उससे कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ये ध्यान देना। और यहाँ पर देखिए सिग्मा पी लिखा हुआ है, इधर भी पी होना चाहिए, ये पी का मतलब पार्शियल आंशिक, ये ध्यान देना, पी का मतलब पार्शियल या आंशिक। तो आंशिक ऋणावेश है, इधर आंशिक धनावेश, इधर पूरा मुक्त हो गए हैं तो जितना धनावेश इधर है इतना ऋणावेश इधर है उसी के समानुपात में है जितना बाहरी विद्युत क्षेत्र में, ये प्लस है उतना इधर माइनस है, इसका बिल्कुल अपोजिट, मात्रा में बराबर, परिमाण में बराबर बस विपरीत, इधर भी परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत, इसीलिए विद्युत क्षेत्र अंदर परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये चालक यानी कंडक्टर है, इसमें परिमाण में बराबर लेकिन बराबर मात्रा में नहीं, परिमाण में कम लेकिन विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ, तो इसलिए इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इसको ध्यान देना। अब आगे देखते हैं, देखिए जैसा अभी हमने पढ़ा था कि आगे बताएगा कि अगर विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है तो हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी आणविक संरचना किसी परावैद्युत पदार्थ यानी अचालक की या डाई इलेक्ट्रिक की हमको समझना पड़ेगा, इसलिए जो है उसको अब वो समझाने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि किसी पदार्थ के अणु ध्रुवी तथा अध्रुवी हो सकते हैं। तो अब ध्रुवी का मतलब पोलर, अध्रुवी का मतलब नॉन पोलर, तो ये पोलर और नॉन पोलर क्या है? तो पोलर का मतलब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि दो पोल हो, ध्रुवीय दो ध्रुव, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, और अध्रुवीय जो प्लस माइनस ना हो, ये कहने का मतलब। तो ध्यान देना, तो देखिए कह रहा है कि किसी अध्रुवीय अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र समपाती होते हैं। अब इसको ध्यान देना है कि ध्रुवीय का मतलब धन और ऋण जो है अगर सेंटर से लिया जाए तो बराबर दूरी पे होंगे, तो उनका प्रभाव भी बराबर और विपरीत होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ध्रुवीय स्थिति नहीं बनेगी, तब वो अध्रुवीय होगा। ध्रुवीय स्थिति तब बनेगी जब धनावेश और ऋणावेश केंद्र बिंदु से समान अनुपातिक दूरी में ना हो, यानी दूरियों में अंतर हो। जब दूरियों में अंतर होगा तो केंद्र बिंदु पर उसका प्रभाव अलग अलग होगा, तो उसमें दो ध्रुव बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अध्रुवी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें धनावेश और ऋणावेश नहीं है, धनावेश और ऋणावेश है अध्रुवी में भी, बस फर्क इतना है कि केंद्र बिंदु से धन और ऋण आवेश की दूरी और मात्रा यानी परिमाण बराबर हैं, जिसके कारण केंद्र बिंदु पर धन और ऋण आवेश का समान अनुपात में विपरीत प्रभाव है, जो एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, जबकि ध्रुवीय में ऐसा नहीं है।
तो इसको ध्यान देना है। तो देखिए संपाति का मतलब कॉन्सेंट्रिक, एक ही सेंटर जहां पर दोनों की वो एक जगह मिले। जैसे देखिए यच और यच है, तो यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी दोनों बराबर है, इसलिए यच टू है। ये संपाति है, एक दूसरे से यच के केंद्र बिंदु की दूरी में अंतर नहीं है। इसी प्रकार ये सी बीच में है, ये सी के केंद्र बिंदु से ओ के केंद्र बिंदु की दूरी या इस वाले ओ की इस सी से केंद्र बिंदु की दूरी बराबर है, इसलिए ये अनावेशित जैसा व्यवहार करेगा, ये अध्रुवी जैसा व्यवहार करेगा। ये भी अध्रुवी है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये यच है या सी एल है। यहाँ से लिया जाए तो देखिए, अगर हम केंद्र बिंदु देखें तो यहाँ पर आएगा यच की सेंटर से यहाँ तक देखिए कम दूरी है, जबकि सी एल की ज्यादा है। इसका मतलब दोनों में जो आवेश है वो समान दूरी पर नहीं है और आवेश भी बराबर नहीं, इसलिए ध्रुवीय होगा। इसी प्रकार एच टू ओ में देखिए इस एच और इस एच की इस ओ से अगर देखा जाए तो अगर ये सीधी रेखा में होते तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन ये किसी कोण पर हैं, तो इसका प्रभाव इसके प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाएगा। तो ध्यान दीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो सी एल चूंकि माइनस ऋणात्मक है, यच पॉजिटिव, इसलिए तीर देखिए इधर को लगा है, पी लिखा है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसी प्रकार ओ देखिए निगेटिव है और यच जो ये एंगल है इसके बीचों बीच इन दोनों यच का प्रभाव जाएगा, तो इसलिए तीर का निशान इधर लगा है और पी लिखा है माइनस से प्लस की ओर। अब ये यच प्लस क्यों होगा, ये यच प्लस क्यों होगा और ओ माइनस क्यों होगा, इसका भी कारण देखिए, सी एल माइनस क्यों होगा, यच प्लस क्यों होगा, इसका भी कारण समझिए। तो इसका कारण ये है कि सी एल जो है ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, और विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि कोई सहसंयोजी जो बंध है उस सहसंयोजी बंध में चूंकि इलेक्ट्रॉनों का आपसी साझा हुआ है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये सी एल चूंकि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो ये यच के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो सी एल के पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाता है, इसलिए सी एल माइनस है और यच प्लस है। यही कंडीशन यहाँ पर है, ओ की विद्युत ऋणात्मकता यच से ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच करके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऋणात्मक यहाँ पर रहेंगे, ऋणात्मक चार्ज, इसलिए ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज में होगा, ये पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि किसी पदार्थ के अणु ध्रुवी तथा अध्रुवी हो सकते हैं, किसी अध्रुवी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाति होते हैं। ध्यान दीजिए, अध्रुवी का मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, प्लस और माइनस चार्ज हैं, लेकिन वो इस प्रकार से हैं कि वो एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, तो वो अध्रुवी है। जैसे यहां पर देखिए निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन में, निगेटिव चार्ज इसमें पॉजिटिव है कार्बन में, फिर भी ये अध्रुवी है, क्योंकि इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से है कि एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको देख लीजिए तीर के द्वारा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा द्विध्रुव आघूर्ण, तो इधर से इधर को हो जाएगा, ये निगेटिव रहेगा पॉजिटिव, इसमें ये निगेटिव रहेगा पॉजिटिव, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण पी इधर को हो जाएगा। देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो चूंकि एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, इसलिए ये अध्रुवी है। तो ध्रुवी और अध्रुवी के बारे में हम लोगों ने काफी हद तक समझने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं,
कह रहा है कि धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र अगर संपाति होते हैं यानी समान अनुपात में होते हैं तो अर्धध्रुवी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, उसमें कोई स्थायी अथवा आंतरिक द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ऑक्सीजन O2 हाइड्रोजन H2 अणु अध्रुवी अणुओं के उदाहरण हैं, जानते ही हैं हम लोग, जिनमें सममित के कारण कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, सिमेट्री के कारण। देखिए हाइड्रोजन दोनों एक ही तरह हैं, ऑक्सीजन भी दोनों एक ही तरह हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। इसके विपरीत कोई ध्रुवी अणु वो होता है जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र पृथक पृथक उस स्थिति में भी जब कोई वाय क्षेत्र नहीं है होते हैं। तो जो ध्रुवी होता है तो उसमें क्या होता है कि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र पृथक पृथक होते हैं। देखिए धनावेश है ऋणावेश है तो केंद्र बिंदु ये बाहरी अपनी परिधि से ज़्यादा दूर है सर, पेरीफेरी से, और ज़्यादा पास में है इसलिए ये सेम दूरी पर नहीं है, यहाँ से कम दूरी है या ज़्यादा दूरी है, इसलिए ये पोलर यानी ध्रुवीय है। ऐसे अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट होता है। HCl जैसा आयनी अणु अथवा जल H2O का कोई अणु ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण है। तो HCl और H2O हमारे पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिए, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि किसी वाह क्षेत्र में अध्रुवी अणु के धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। तो किसी वाह क्षेत्र में अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो अध्रुवी अणु के धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। विद्युत क्षेत्र इधर है तो धन इधर को जा रहा है, ऋण इधर, विपरीत दिशाओं में, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है। यह विस्थापन तब रुकता है जब अणु के अवयवी आवेशों पर बाह्य बल प्रत्यानयन बल अणु में आंतरिक क्षेत्रों के कारण द्वारा संतुलित हो जाता है। तो ये पोलराइजेशन विस्थापन मतलब जो प्लस और माइनस एक दूसरी तरफ जा रहे हैं ये तब रुकता है जब उसके अंदर जो बल लगता है उसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं, अणु में आंतरिक क्षेत्रों के कारण जो उत्पन्न होता है वो जब बाहरी विद्युत क्षेत्र के संतुलन में हो जाता है तब ये प्लस माइनस का विस्थापन यानी इधर उधर जाना बंद हो जाता है। प्रत्यानयन बल इसको ये समझिए कि जैसे हम झूला में बैठ के झूलते हैं तो एक तरफ ताकत लगाते हैं तो झूला चढ़ जाता है, फिर अपने आप दूसरी तरफ वो उलट के जाता है, ये प्रत्यानयन बल के कारण होता है, इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। अतः अध्रुवी अणु एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है, उस स्थिति में परावैद्युत को वाय क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है। तो अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि अब चूंकि इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर जनरेट हो जाता है, प्रेरित क्षेत्र जिसको बोलेंगे, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है अंदर, जो वाय क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है, जो वाय विद्युत क्षेत्र है उसके कारण होता है ऐसा। हम अभी ऊपर पढ़े भी हैं, हम केवल उस सरल स्थित पर ही विचार करेंगे जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होता है तथा क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कह रहा है कि हम केवल उस स्थिति पर ही विचार करेंगे जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण यानी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्षेत्र की दिशा में होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है तथा क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के समानुपाती होता है, यानी क्षेत्र की तीव्रता कितनी है यानी कितना तीव्र है। पदार्थ उनके लिए यह अभिधारणा सत्य है,
पदार्थ जिनके लिए यह विधान असत्य है उन्हें रैखिक समदैशिक परावैद्युत कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में उसी रेखा में वो उसी दिशा में और उसी रेखा में एक तरह से अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, इसीलिए इनको रैखिक या समदैशिक परावैद्युत कहते हैं। लीनियर यूनि सेमी डायरेक्शनल डाइइलेक्ट्रिक। विभिन्न अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर वाय क्षेत्र की उपस्थित में परावैद्युत कनेक्ट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अलग अलग जितने भी अणु हैं, देखिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे दिखाए गए हैं, तो अलग अलग अणु के विद्युत द्विध्रुव जो है आपस में जुड़ करके प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर वाय क्षेत्र की उपस्थित में परावैद्युत कनेक्ट द्विध्रुव आघूर्ण प्रकट करते हैं या प्रदान करते हैं। मतलब एक एक अणु का डाइइलेक्ट्रिक वो द्विध्रुव आघूर्ण आपस में जुड़ करके सारे जितने होंगे सबका टोटल जो होगा वो बाहरी विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव आघूर्ण परावैद्युत का नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र जीरो, ई जीरो कह रहा है। ई जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस के बीच की दूरी, जितना प्लस दूरी में है उतना माइनस दूरी है, क्योंकि ये सर्कुलर है। देखिए ये वृत्ताकार गोल गोल बनाया गया, गोल गोल बनाने का मतलब है कि प्लस और माइनस समान दूरी पर। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस एक दूसरे से कुछ शिफ्ट हुए हैं, दूरी बढ़ी है। तो चूंकि दूरी बढ़ी है इसका मतलब ये समान दूरी पर प्लस माइनस नहीं, इसलिए विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, अगर इसको इस तरह देखते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से बीच की दूरी समान है, तो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? जिधर प्लस से माइनस की ओर। इसका मतलब इधर प्लस है इधर माइनस है, तो जिधर प्लस है तो प्लस माइनस यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इधर को खींच रहा है, इसलिए देखिए इसकी गोलीय आकृति थोड़ा बदल रही है, इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है। और इधर को माइनस है तो माइनस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर है और ये प्लस की इधर को है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इस आकृति से पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए फिर सेम जैसे हैं, तो सेम जैसे हैं, और सेम जैसे में भी देखिए क्या है कि जैसे ये इधर को है तो ये इधर को है, ये इधर को है तो ये इधर को है, ये इधर को है, इसका प्लस इधर है तो इसका प्लस इधर है, कैसे ये इधर को है, इसका प्लस इधर है तो इसका इधर। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये अलग अलग अपनी छिन्न भिन्न इधर उधर पड़े हुए हैं, इनका कोई वो नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जीरो है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जीरो है। देखिए इधर माइनस है तो यहाँ पर इधर माइनस है, यहाँ पर इधर प्लस है तो यहाँ पर इधर प्लस है, मतलब इस प्लस का प्रभाव इधर बाहर की ओर है तो इस प्लस का इधर बाहर की ओर है, एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इसी प्रकार इस माइनस इधर है, ये माइनस इधर है, तो ये इधर को विद्युत क्षेत्र आता प्रतीत होगा, इधर से इधर को आता प्रतीत होगा, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार इन दो में देखिए प्लस इधर को है, प्लस इधर को है, इधर को होगा इसका इधर को होगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए विद्युत क्षेत्र जीरो है। अब यहाँ पर देखिए इसी चीज को, यहाँ पर देखिए माइनस 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 इधर को है, माइनस 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 इधर को है, प्लस 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 दाई तरफ है, प्लस 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 दाई तरफ है, तो प्लस का प्रभाव दाई तरफ है, माइनस का प्रभाव बाई तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी इसमें? इधर को हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ई जीरो नहीं है, विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये दोनों देखिए अध्रुवीय हैं और ये दोनों ध्रुवीय हैं, कैसे हैं ये हमने समझने का प्रयास किया। अब देखिए ध्रुवीय अणुओं का कोई परावैद्युत किसी वाय क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी विकसित कर लेता है।
ध्रुवीय अणुओं का कोई परावैद्युत, जो पोलर मॉलिक्यूल है उनका जो परावैद्युत है, किसी बाह्य क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी विकसित कर लेता है, परंतु इसका कारण भिन्न होता है। ध्यान दीजिए, परंतु इसका कारण भिन्न होता है। क्या होता है? किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थित में विभिन्न स्थायी द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण यादृच्छिक अभिविन्यसित होते हैं, अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो ध्यान दीजिए कि किसी बाह्य क्षेत्र की जब अनुपस्थिति होती है तो जितने भी हमारे विभिन्न स्थायी द्विध्रुव हैं वो तापीय विक्षोभ के कारण, ये जब आपस में इधर उधर भागते हैं, कंपन करते हैं, तो आपस में घर्षण होता है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा से एनर्जी लेकर के ये इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो प्लस माइनस का प्रभाव इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक डायरेक्शन में नहीं रहता, जिससे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और इसी कारण से इनमें विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। विद्युत क्षेत्र में अनुपस्थित है विभिन्न स्थायी द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण यादृच्छिक अभिविन्यसित होते हैं। यादृच्छिक का मतलब रैंडम, यादृच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से, किसी का दबाव नहीं है, जिधर जिसकी मर्जी है वो अणु अपना प्लस माइनस को लिए बैठा है। जब कोई वाह्य क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है तो व्यष्टिगत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगता है। जब इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ई नॉट जीरो मतलब विद्युत क्षेत्र है, तो देखिए प्लस माइनस इधर पूरा माइनस 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 माइनस, दाई तरफ प्लस 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 प्लस, इसमें देखिए बाई तरफ माइनस 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 माइनस, दाई तरफ प्लस 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 प्लस, यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित होने लगते हैं अनुदेश। जब सब अणुओं पर इसका योग किया जाता है तो वाह्य क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। तो जब इन सब को जोड़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अतः हम ये कह सकते हैं कि परावैद्युत जो डाइलेक्ट्रिक है वो ध्रुवित हो गया, यानी पोलराइज हो गया है। ध्रुवण की सीमा दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। तो द्विध्रुवण की सीमा जो है कि कितना द्विध्रुवित होगा, दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा जो द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ संरेखित करने का प्रयास करती है, तथा तापीय ऊर्जा जो संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास करती है, इसके अतिरिक्त अध्रुवीय अणुओं की भांति यहाँ भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रभावित हो सकता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का प्रभाव हो सकता है, परंतु व्यापक रूप में संरेखण प्रभाव ध्रुवीय अणुओं के लिए अत्यधिक अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान दीजिए कि परंतु व्यापक रूप में संरेखण का जो प्रभाव है ध्रुवीय अणुओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो संरेखण है हमने उसको समझा। अब देखिए कह रहा है इस प्रकार दोनों ही प्रकरणों में चाहे ध्रुवीय हो अथवा अध्रुवीय, यानी पोलर हो या नॉन पोलर, परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। तो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जो डाइलेक्ट्रिक है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट विकसित कर लेता है। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण अथवा ध्रुवण कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण अथवा ध्रुवण कहलाता है, तथा इसे P द्वारा निर्दिष्ट कर किया जाता है। रैखिक समदैशिक परावैद्युतांकों के लिए P इक्वल टू E नॉट काई E इंटू कैपिटल E, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहां देखिए फिर बात आती है कि यहां पर प्रति एकांक आयतन क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है कि कोई पृष्ठ नहीं था चालक, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सब थी, तो हम आयतन की ही बात करेंगे। अगर पृष्ठ होता तो हम क्षेत्रफल की बात करते। तो P इक्वल टू E नॉट काई E कैपिटल E। देखिए बता रहा है यहाँ काई E परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है,
जिसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इसको काई ई को पदार्थ के आणविक गुण से संबंधित करना संभव है, परंतु हम यहाँ इस पर चर्चा नहीं करेंगे, यानी अब ज्यादा गहराई पर जाने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न यह है कि कोई द्विध्रुव परावैद्युत अपने भीतर किसी मूल वाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है। कह रहा है अब प्रश्न यह है कि कोई ध्रुवित परावैद्युत यानी पोलराइज डाइलेक्ट्रिक अपने भीतर किसी मूल वाह्य क्षेत्र को जो बाहरी जो वाह्य क्षेत्र है तो मूल वाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है। तभी हमने ऊपर बताया था कि प्रेरण के कारण उसमें प्लस माइनस जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण वाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र अंदर उत्पन्न होता है। तो सरलता के दृष्टि से हम किसी ऐसे आयताकार परावैद्युत गुटके का पर विचार करते हैं जो किसी ऐसे एक समान वाह्य क्षेत्र ई नाट में रखा है जो गुटके के दो फलकों के समांतर है। क्षेत्र के कारण परावैद्युत में एक समान ध्रुवण P होता है। इस प्रकार गुटके के भीतर आयतन अल्पांश यानी डेल्टा V का क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण P डेल्टा V होता है। अब ध्यान दीजिए, पूरे क्षेत्र आयतन के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P है, और डेल्टा V अब लिया जाएगा तो उसमें डेल्टा V का गुणा कर देंगे। जैसे पूरे पृष्ठ के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा था, और अगर कोई छोटा क्षेत्रफल का कोई छोटा टुकड़ा लेंगे डेल्टा एस तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता था, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। तो पूरे द्विध्रुव पूरे ध्रुवित परावैद्युत के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है, अब उसमें थोड़ा सा आयतन लिया जाएगा डेल्टा वी तो उसके लिए पी डेल्टा वी होगा। अब स्थूल रूप से आयतन अल्पांश डेल्टा वी छोटा होता है, परंतु इसमें अत्यधिक संख्या में आणविक द्विध्रुव होते हैं। तो आयतन तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत सारे अणु होंगे, और चूंकि वे ध्रुवित हैं इसलिए आणविक द्विध्रुव कह रहा है। परावैद्युत के भीतर किसी भी स्थान पर आयतन अल्पांश डेल्टा वी पर कोई नेट आवेश नहीं होता। क्यों नेट आवेश नहीं होता, क्योंकि देखिए माइनस 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 ये प्लस प्लस प्लस, तो प्लस माइनस जोड़ेंगे तो एक दूसरे को जीरो कर देंगे, तो इसीलिए नेट जीरो ही आएगा। इसीलिए कह रहा है कि अंदर कोई नेट आवेश नहीं होता, यद्यपि इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ध्यान दीजिए, परावैद्युत के भीतर कोई नेट आवेश तो नहीं होता लेकिन इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक दिशा है। देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस की तरफ ये माइनस हो गया, माइनस की तरफ ये प्लस हो गया, तो इसके विपरीत दिशा में अंदर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यानी द्विध्रुव माइनस से प्लस की ओर होगा तो द्विध्रुव की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गई। और सिग्मा पी हमारा पार्शियल, पी का मतलब आंशिक पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि पूरे अणु ध्रुवीय नहीं हुए हैं, क्योंकि ये अचालक है, डाइइलेक्ट्रिक है, इसलिए कुछ अणुओं में प्रेरण के कारण यानी इंडक्शन के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इधर देखिए सिग्मा पी है, इधर माइनस सिग्मा पी है, इसको ध्यान दीजिए, ये माइनस की बात कर रहा है, ये प्लस की बात, ये अंदर है और विद्युत क्षेत्र इधर प्लस होगा, इधर माइनस, प्लस की वजह से इधर माइनस खींच रहा है, इधर माइनस की वजह से इधर प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण हो रहा है तो इधर प्लस आ रहा है, क्योंकि जो माइनस होगा वो माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। तो वही कह रहा है कि इसका कारण यह है कि एक द्विध्रुव के धनावेश अपने से संलग्न द्विध्रुव के ऋणावेश के निकट होते हैं, परंतु परावैद्युत के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत स्पष्ट रूप से एक नेट आवेश घनत्व होता है, नेट आवेश घनत्व होता है, जैसा कि चित्र 2.23 में दर्शाया गया। दाएं पृष्ठ पर इधर दाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के धनात्मक सिरे तथा बाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के ऋणात्मक सिरे अनुदासित रह जाते हैं। अनुदासित का मतलब उदासीन नहीं है, इधर माइनस है इधर प्लस है। असंतुलित आवेश वाय क्षेत्र के कारण प्रेरित आवेश होते हैं।
तो यही असंतुलित जो आवेश हैं तो बाह्य क्षेत्र के कारण इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं, प्रेरित आवेश होते हैं। अतः ध्रुवित परावैद्युत को दो आवेशित पृष्ठों के तुल्य होता है जिनके प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी तथा माइनस सिग्मा पी हैं। स्पष्ट है कि इन पृष्ठीय आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करते हैं। ये प्लस से माइनस की ओर होता है तो इधर है, अंदर वाला प्लस से माइनस की ओर करेंगे तो इधर होगा, तो इसके विरोध में उल्टा है। इस प्रकार परावैद्युत में कुल क्षेत्र उस प्रकरण की तुलना में जिसमें कोई परावैद्युत नहीं है कम हो जाता है। अगर यही चालक होता तो जितना विद्युत क्षेत्र बाहर होता विपरीत में उतने अंदर होता, क्योंकि सारे अर्धध्रुवीय होते, लेकिन ये परावैद्युत है यानी अचालक है तो कुछ ही में ऐसा हुआ, इसलिए अंदर का विद्युत क्षेत्र बाहर के विपरीत और परिमाण में बहुत कम होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा पी परावैद्युत में मुक्त आवेशों के कारण नहीं वरन परिबद्ध आवेशों से उत्पन्न हुआ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुक्त आवेश के कारण ये पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं उत्पन्न हुआ है, परिबद्ध आवेश की केवल शिफ्टिंग हुई है, थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया है, स्थान नहीं छोड़ा। अगर वो छोड़ दे तो फिर चालक की तरह चलने ही नहीं लगेगा, तो इसको ध्यान देना। तो आज हमने ये पढ़ा, अब आगे हमारा आ जाता है संधारित्र तथा धारिता, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।